हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तुअर पुलाव। कम मेहनत में, आसानी से और कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके शानदार पुलाव बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेज तुअर पुलाव बनाने के लिए हमने 8 टेबलस्पून तेल में 2 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया। इस प्याज को हम पुलाव बनाने के बाद गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। तेल ऑलरेडी गर्म है तो हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 फूल चक्री, 1 टीस्पून जीरा, 15 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता। खड़े मसालों को कुछ सेकंड तक तेल में सोटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और प्याज को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर तेल में फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 8 हरी मिर्च, जिनको हमने इस तरह से कट कर लिया है। देखिए, हम इस पुलाव में लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हमने हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। और हमने यहाँ पर जो हरी मिर्च ली है वो बड़ी वाली हरी मिर्च है, यानी कि ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आप इसमें छोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेज़र कर सकते हैं। टमाटर जब तेल में सॉफ्ट होने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे तुअर। देखिए, हमने यहाँ पर 500 ग्राम तुअर को छील कर उसके दाने निकाल लिए और इसे हमने पानी से अच्छी तरह धो लिया था। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को हमने इस तरह से बड़े पीसीस में कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे तेल में लो फ्लेम पर कुछ देर तक भूनेंगे। 2 मिनट तक हमने तेल में आलू और तुअर को अच्छे से भून लिया। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और छोटी हरी मिर्च का पेस्ट और हमें इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करने हैं। सूखे मसालों में ऐड करेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। देखिए, आप इस स्टेज पर इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हमने उसे स्किप किया है। मिक्स कर लेंगे और मसालों को भूनते वक्त हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और हमें मसालों को लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक इनका कच्चापन दूर ना हो जाए। सारे मसालों को हमने लो फ्लेम पर अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने इस कप से मेज़र करके 3 कप बासमती चावल लिए। पानी हम इसी कप से मेज़र करके 6 कप ऐड करेंगे। देखिए, हमने चावल को भिगोया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पानी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। अगर आप चावल को भिगोकर इस्तेमाल करेंगे तो पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम ऐड कीजिएगा। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमने 3 टीस्पून जितना नमक ऐड कर दिया। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 3 कप बासमती चावल को 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धो लिया है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने चावल को भिगोया नहीं है, इसलिए हमने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। अगर चावल को भिगोकर इस्तेमाल करेंगे तो पानी की क्वांटिटी हमें थोड़ी कम कर देनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला।
देखिए इस स्टेज पर आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर हाई फ्लेम पर कुछ देर तक पकाएंगे। इसे हाई फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी थोड़ा सूखने लगा है। एक बार इसे चला लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हमें इसे दम करना है। देखिए पुलाव को दम करते वक्त आप गैस की फ्लेम को मीडियम भी रख सकते हैं या फिर लो फ्लेम पर भी दम कर सकते हैं। हमने इस पुलाव को लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए अच्छे से दम कर लिया। साथ ही में हमारी तुअर पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखी है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। गार्निशिंग के लिए आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह हमने इसको प्याज से गार्निश कर दिया। अब हम इसे फिर से ढक देंगे। देखिए प्याज ऐड करने के बाद हम इसे ढक कर 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो खाने के लिए तैयार है कम मेहनत में आसानी से बनी हुई शानदार वेज तुअर पुलाव। इससे पहले हमने आपके साथ वेज मसूर पुलाव की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने उस रेसिपी को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।